नमस्कार, आज हम बात करेंगे टेलीविज़न न्यूज़ बुलेटिन बनाने की प्रक्रिया के तीसरे चरण के बारे में, न्यूज़ प्रेजेंटेशन। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ही डिटेल में न्यूज़ कलेक्शन, जो कि पहली स्टेज होती है न्यूज़ बुलेटिन की, फिर सेकंड स्टेज जो न्यूज़ पैकेजिंग की रहती है, तो ये सभी दोनों जो स्टेजेस हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन सी टीम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन इसके इंचार्ज होते हैं, जिसकी देखरेख में, जिनके सुपरविजन में ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज कंप्लीट किए जाते हैं। जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है वो जब रनडाउन तैयार कर देते हैं, तो अब थर्ड स्टेज पीसीआर टीम की, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का, यहाँ स्टूडियो और प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का यहाँ से काम शुरू हो जाता है। ये भी आउटपुट एडिटर के सुपरविजन में ही अपना काम करते हैं। यानी जो न्यूज़ सेकेंड स्टेज है न्यूज़ पैकेजिंग की, और जो थर्ड स्टेज है न्यूज़ प्रेजेंटेशन की, ये दोनों स्टेजेस जो न्यूज़ बुलेटिन में आती हैं, न्यूज़ बुलेटिन के लिए ज़रूरी हैं, ये आउटपुट एडिटर की देखरेख में ही होती हैं। ये सभी टीम्स आउटपुट एडिटर को रिपोर्ट करती हैं। तो जो ये थर्ड स्टेज है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि एक चैनल के जो सबसे ज़्यादा पहचान है वो उसके न्यूज़ एंकर्स और उसके रिपोर्टर्स की ही रहती है, विजिबिलिटी होती है उनकी। तो वो चेहरे होते हैं किसी, जो न्यूज़ बुलेटिन है वही सबसे मेन है, जो एक न्यूज़ चैनल की पहचान होता है, और सबसे प्रोफेशनल तरीके से, बहुत अच्छे से, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ एक फ़ाइनल जो न्यूज़ मटेरियल है वो पेश किया जाता है दर्शकों के सामने। तो इसके पीछे जो पूरी एक्टिविटी है वो जो लास्ट स्टेज की, वो स्टूडियो और पीसीआर रूम में बैठ के होती है। जो बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं वो जब रनडाउन तैयार करके फिर फाइनली उसको आगे सौंप देते हैं, तो यहाँ से पैनल प्रोड्यूसर की मेन भूमिका शुरू हो जाती है, जो पीसीआर रूम में बैठ के ये पूरा बुलेटिन कैसे स्मूथली निकलेगा, कैसे टाइम से जो रनडाउन है उसको टाइमली, बुलेटिन के टाइम के अकॉर्डिंगली सिक्वेंशियल रूप में उसको प्ले करना है, वन बाय वन सभी न्यूज़ को, जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देनी, उनको ये बताना कि अब आप लाइव जा रहे हैं, और जैसे ही वो लाइव हो फिर सिग्नेचर ट्यून होगी उस न्यूज़ बुलेटिन की, वो बजेगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगी फिर जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो किस तरह अपने को प्रेजेंटेशन, उनका वहाँ से टेलीप्रॉम्प्टर में पूरा लिखा हुआ मटेरियल तैयार रहता है, वो आना शुरू हो जाता है, जिसको देख के वो अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, अपना जो न्यूज़ है वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसे, नमस्कार, आप देख रहे हैं सो एंड सो चैनल, मैं हूँ सो एंड सो। आइए नज़र डालते हैं आज की मेन हेडलाइंस पे। फर्स्ट हेडलाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके साथ मैचिंग के विजुअल्स। एक लाइन के जो हैं वो न्यू एंकर लिंक्स पढ़े जाते हैं एंकर द्वारा हेडलाइंस को इंट्रोड्यूस करते हुए, और उसके साथ मैचिंग के सीक्वेंस के हिसाब से विजुअल्स चलाने का काम पीसीआर टीम का रहता है, और पैनल प्रोड्यूसर इसकी देखरेख करते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कहीं भी मिसमैच ना हो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जब बुलेटिन आता है और न्यूज़ एंकर्स एंकर लिंक पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार, बहुत रेयरली, मैनुअल मिस्टेक्स हैं, कई बार हो जाता है कि जो न्यूज़ एंकर्स एंकर लिंक्स पढ़ रही होती हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो उसके साथ मैचिंग के विजुअल नहीं आ रहे होते। विजुअल्स जो है नेक्स्ट स्टोरी के आ रहे होते हैं, और वो पढ़ अभी पहला एंकर लिंक रही होती है। इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं अवॉइडेबल हैं, जो कोशिश करते हैं पैनल प्रोड्यूसर और पूरी पीसीआर टीम कि इस तरह की मिस्टेक्स ना हो, और जैसे ही वो नोटिस करते हैं ऐसी मिस्टेक हो रही है, तुरंत उसी को सेकंड्स में ठीक कर दिया जाता है, उसी समय जो है वो मिस्टेक्स ठीक कर दी जाती हैं। जो पीसीआर रूम है उसमें अलग अलग तरह की मशीनरी, इंक्लूडिंग टेलीप्रॉम्प्टर्स, मिक्सिंग मशीनरी, ऑडियो और यू नो साउंड और विजुअल मिक्सिंग मशीनरीज, सब तरह के सॉफ्टवेयर, पूरा उस ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, पूरा सब मशीनरी वहाँ पे मौजूद रहती है, और स्प्लिट सेकंड्स में ही जो है हर काम किया जाता है, सीक्वेंस के हिसाब से, रनडाउन के हिसाब से न्यूज़ को प्ले किया जाता है। पूरी शुरू से लेके एंड तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैनल प्रोड्यूसर की रहती है। तो पीसीआर टीम का ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना पीसीआर रूम में, इट्स लाइक इलेक्ट्रिफाइंग। स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेने पड़ते हैं और इंश्योर करना पड़ता है
क्योंकि दर्शकों के सामने तो सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोफेशनली सारे विजुअल्स आ रहे हैं, टाइमली न्यूज़ एंकर्स को भी टाइमली न्यूज़ एंकर्स बता रहे हैं कि अब बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो भाग दौड़ है, इसके पीछे जो मेहनत है, उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। थर्ड स्टेज में हमने बताया कि किस तरीके से जो रन डाउन जब तैयार हो गया सेकेंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में उस रन डाउन को पूरी सीक्वेंस के हिसाब से फिर प्ले किया जाता है बुलेटिन में, फर्स्ट हेडलाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उनके ही बीच में अगर कोई बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में लाइव फोनो किया जाना है, यानी जो संवाददाता है जो किसी पर्टिकुलर स्थान में है जहाँ से वो खबर, जिस खबर को दिखाया गया है, जिस खबर को बनाया गया है, वहाँ से और अपडेट्स के लिए संवाददाता के साथ लाइव कनेक्शन करना है, लाइव कवरेज करनी है, उसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो इसकी अरेंजमेंट करना भी पैनल प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी रहती है। वो टाइमली इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, एक ईयरपीस लगा होता है न्यूज़ एंकर्स के कानों में जिसके थ्रू जो है उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, बार बार इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं। पैनल प्रोड्यूसर्स उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अब लाइव फोनो आएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो टेलीप्रॉम्प्टर में आनी शुरू हो जाती है, जिसको देख के न्यूज़ एंकर्स उसको पढ़ते हैं। जैसे अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है राजस्थान के सोएनसो इलाके से, बहुत बड़ी खबर है ये, कोरोना के इतने नए जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी अभी राजस्थान, फिर ना रेपिटेशन हो रहा होता है, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं टेलीप्रॉम्प्टर में दे दी जाती हैं। साथ साथ न्यूज़ एंकर्स को कान में उनके जो ईयरपीस लगे हैं उसमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और थोड़ी ही देर में सो एंड सो जगह से, मान लिया जाए जयपुर से जो संवाददाता हैं उस चैनल के, उनके साथ लाइव बातचीत की जाएगी जिसमें वो और लाइव अपडेट्स देंगे। तो जब तक वहाँ वो तैयारियाँ हो रही होती हैं लाइव जाने की, तब तक कई बार न्यूज़ डेस्क में जो बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं वो उस न्यूज़ टिकर्स को, आपने देखा है ब्रेकिंग न्यूज़ के टिकर्स चलने शुरू हो जाते हैं, वो चलना शुरू हो जाते हैं स्क्रोल वहाँ पे, जिसमें आता है ब्रेकिंग न्यूज़ और उसको एक एक दो दो लाइन में फिर आता रहता है, जाता रहता है वो, राइट। तो वो सारा जो है बुलेटिन प्रोड्यूसर न्यूज़ डेस्क से वो सारा कुछ लिख रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पैनल प्रोड्यूसर को दे रहे होते हैं, और पैनल प्रोड्यूसर्स उन इंस्ट्रक्शंस को आगे न्यूज़ एंकर्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और साथ साथ इंश्योर कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं असाइनमेंट टीम के साथ। असाइनमेंट टीम उन रिस्पेक्टिव रिपोर्टर्स के साथ इंश्योर करती है, उनसे पता करती है कि क्या अब वो लाइव जाने में कितने मिनट्स कितने सेकंड्स रह गए हैं। जैसे ही 3, 2, 1 वो लाइव जाके वो ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ईयर पीस के थ्रू जो जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनको सूचना मिल जाती है कि अब इतने सेकेंड्स में लाइव आने वाले हैं रिपोर्टर्स, और उसी के साथ साथ दर्शकों को जो है ये सब पीछे की एक्टिविटीज़ विजिबल नहीं होती, उनको तो केवल न्यूज़ एंकर का फेस ही दिखाई दे रहा होता है जो उनको टाइम टाइम पे रिपीट कर करके वो ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही होती है कि अभी अभी हमें सो एंड सो जगह से ये सूचना मिली है, अभी अभी बड़ी खबर आई है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के सो एंड सो इलाके से बहुत बड़ी खबर है ये, कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वगैरह वगैरह। वो उसी 2-3 जो टिकर्स चल रहे होते हैं, 2-3 उनके लिए जो टिकर्स चलाए जा रहे होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर में, जो लिख के चलाया जा रहा होता है, उसी को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बार बार रिपीट करते हैं, राइट। क्यों? वो टाइम बाय कर रहे होते हैं जितनी देर में रिपोर्टर लाइव जाने को रेडी हो जाए, तो वो समा बांधे रहते हैं एक तरह से, दर्शकों को रेडी किए रहते हैं। जैसे ही उनके कान में इंस्ट्रक्शन आए नाउ रिपोर्टर इज़ लाइव, तो वो रिपोर्टर से वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं बुलेटिन बीच में ही रोक के, वो या एक पर्टिकुलर बुलेटिन के बीच में जो घटना है, जो न्यूज़ है, उसके लेटेस्ट अपडेट्स रिपोर्टर्स को लाइव पूछे जाते हैं। अगर बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस न्यूज़ को बीच में ही रोक के वो रिपोर्टर के साथ लाइव बातचीत करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं ये भी पैनल प्रोड्यूसर उनको कान में इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि अब आप ये पूछिए, आप ये वाली जानकारी भी लीजिए। तो वो जो हैं रिपोर्टर्स, उनको कौन सा रिपोर्टर है, किस जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दर्शकों को इसकी सूचना न्यूज़ एंकर्स देते हैं, और आप देखिए उनके कान में कंटिन्यूसली जो है इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, क्वेश्चंस उनको बोल रहे हैं कि आप पूछिए। उसके अलावा वो टेलीप्रॉम्प्टर में देख के उनको अलग से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में देख के उनको न्यूज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी पढ़नी पड़ रही है।
इसी बीच में जब तक रिपोर्टर लाइव नहीं होता, जब तक वहाँ के विजुअल्स आने नहीं शुरू होते, उनको समा भी बांधना पड़ता है, टाइम बाय करना पड़ता है। तो उसी के साथ साथ जो वो यू नो ऑडियंस है उसको रिपीट कर करके बता रही होती है। तो बहुत बड़ी खबर है इस समय की, ऐसे ऐसे करके वो टाइम बाय कर रहे होते हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है न्यूज़ एंकर्स की भी, और न्यूज़ डेस्क में जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है वो भी जो है टिकर्स बना रहे होते हैं बीच बीच में, और उसी के साथ जो पैनल प्रोड्यूसर है उनकी यहाँ मेन भूमिका रहती है कोऑर्डिनेशन की। वहाँ से न्यूज़ डेस्क से बुलेटिन प्रोड्यूसर की भी उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि ये अपडेट आई है। पैनल प्रोड्यूसर उसी के साथ साथ रिपोर्टर्स के लाइव जाने की व्यवस्था भी कर रहे होते हैं, और वो साथ साथ ईयरपीस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं न्यूज़ एंकर्स को कि अब आप ये पूछिए। तो जैसे न्यूज़ एंकर्स कहते हैं कि हम अपने संवाददाता जयपुर से, अब हमारे संवाददाता सो एंड सो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी दीपक बताइए जी। और इस तरह से जो है वो रिपोर्टर्स के विजुअल वहाँ पे शुरू हो जाते हैं लाइव, जिसमें रिपोर्टर सो एंड सो घटना स्थल पे जाके उस घटनाक्रम की लेटेस्ट जानकारी देना शुरू हो जाते हैं। या इसी बीच में जो ये तो वो घटनाएं जो किसी न्यूज़ बुलेटिन के जो खबर है उसके बीच में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रिपोर्टर के से लाइव फ़ोनों करके ली जा रही है। कई बार क्या होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई होती है बहुत बड़ी, जिसके लिए बुलेटिन की खबरों को बीच में रोक के उसी को फॉलोअप करना पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट सब चैनल्स में साइमल्टेनियसली उनके पर्टिकुलर रिपोर्टर्स जो हैं वो एक साथ लगभग लगभग ब्रेकिंग एक साथ करते हैं। इतना कंपटीशन होता है राइवल चैनल्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जल्दी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। इतना ज़िम्मेदारी वाला काम है न्यूज़ एंकर्स का भी कि कैसे फेस पे बिना किसी चिंता के भाव के, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ कानों में इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, सामने भी लिखा हुआ आ रहा होता है, दर्शकों को भी बार बार बताना पड़ता है, तो उनका भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ न्यूज़ प्रेजेंटेशन में काम होता है। उसी के साथ साथ पैनल प्रोड्यूसर का जो लगातार रिपोर्टर के साथ, असाइनमेंट डेस्क के साथ, न्यूज़ डेस्क के साथ और एंकर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ पूरी PCR टीम जो है ऑन द एज होती है, ऑन देयर टोज होती है, और बिल्कुल स्प्लिट सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पे स्मूथली काम करने की कोशिश होती है, जिसका पता दर्शकों को नहीं लग पाता क्योंकि हमें केवल विजुअल्स दिखते हैं, हमें केवल लाइव संवाददाता की रिपोर्टिंग दिखती है और न्यूज़ एंकर्स की प्रतिभा दिखाई देती है। इसके पीछे की भागदौड़ हम तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए इसके बारे में आज डिटेल में जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो इस तरह से जो है न्यूज़ प्रेजेंटेशन की जाती है। तो जो न्यूज़ एंकर्स की ड्यूटी वगैरह होती हैं वो भी आउटपुट एडिटर लगाते हैं। आउटपुट एडिटर क्योंकि न्यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्राइम टाइम बुलेटिन में किस एक्सपीरियंस न्यूज़ एंकर्स को की ड्यूटी लगेगी। तो वो पूरा रोस्टर जो है वीकली वो तैयार करते हैं, या रोज़ाना के बेसिस में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आउटपुट एडिटर की सलाह पर ही किया जाता है। तो आपने देखा है कि कोई भी स्टैंड अलोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, चाहे न्यूज़ कलेक्शन की हो फर्स्ट स्टेज, न्यूज़ पैकेजिंग की सेकंड स्टेज हो, चाहे न्यूज़ प्रेजेंटेशन की, सभी प्रकार की टीम्स इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीम स्पिरिट दिखाते हुए एक दूसरे के साथ काम करती हैं। जैसे मशीन के सभी पुर्जे अपनी अपनी भूमिका में होते हैं और अच्छे से काम करती है मशीनरी, वैसे ही टेलीविज़न न्यूज़ चैनल का जो एटमोसफेयर है बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है। न्यूज़ बुलेटिन बनाने की प्रक्रिया के तीनों स्टेजेस में अलग अलग टीम्स अपना योगदान देती हैं, और इनपुट एडिटर और आउटपुट एडिटर के कोऑर्डिनेशन से उनकी देखरेख में ये सारा काम अंजाम दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले लेक्चर में अलग अलग जो टीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स का, उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।